हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। सो कैसी अपनी यूट्यूब फैमिली, उम्मीद है आप सब बढ़िया होगे। गाइस, ये हमारा 18 डे है छत्तीसगढ़ से पैंगोंग लेक के लिए और हम निकल चुके हैं नुब्रा वैली से। रात में हमने स्टे किया, जैसे कि आप लोगों ने पिछली वीडियो में देखा होगा हमारी। अब हम निकल पड़े हैं डिस्किट की ओर। डिस्किट मोनेस्ट्री होकर हम पैंगोंग लेक जाएंगे और अभी हम फिलहाल सोलो राइड कर रहे हैं। जैसा कि आप देख सकते हो, हमारे साथ कोई भी नहीं है। और एक्चुअली हुआ क्या था, छत्तीसगढ़ से लद्दाख का ट्रिप बनाया था, हमें छत्तीसगढ़ से दिल्ली आना था। दिल्ली से टीम मिलती, बट टीम ने कहा आप हमें मनाली में मिलो। हमें मनाली जाना था, बट एक मिस्टेक की वजह से हम शिमला, सोलन, मंडी, मनाली होके गए। हमारी टीम हमसे बहुत ज्यादा ही दूर चली गई। फिर हम दो तीन चार नाइट तो हमने स्टे ही नहीं किया था, उनके पीछे पीछे चलते 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 बारे पास पहुंच ही नहीं पा रहे हैं। जैसे कि ये हमारा हो गया सोलो ट्रिप, देख सकते हो और कैसे कैसे रास्तों से हम सोलो राइड कर रहे हैं। एक उम्मीद है कि शायद वो पैंगोंग लेक में मिल जाए। नहीं भी मिलेंगे तो कोई दिक्कत नहीं, आप जैसे आए हैं वैसे जाएंगे। बट हम लद्दाख कंप्लीट करने के बाद कारगिल, श्रीनगर होकर वापस जाएंगे छत्तीसगढ़, जिससे आप लोगों को जम्मू, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, यूपी, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ सारी चीजें दिखाएंगे। पहले आप लोग ये नजारे देखो, लद्दाख है क्या चीज, एक्चुअल है क्या, वो चीज मैं आप लोगों को दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। जैसे कि देख सकते हो आप, दुनिया का सबसे ऊंचा टापू। हमारे पास बाइक भी है, ऐसी कंफर्टेबल बाइक है सुजुकी, वेरी कंफर्टेबल। और मुझे तो अभी तक कोई दिक्कत ही नहीं आई। मैंने बहुत सारे ऑफ रोडिंग किया है मनाली के बाद से, जैसा कि आप लोगों ने पिछली वीडियो में देखा था। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले, अगर आप लोग चैनल में नया आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करे और बेल आइकॉन को भी दबाए ताकि नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपके फोन पे आ जाए। देखो गाइस, फिर से वाटर क्रॉसिंग, नदी की धार पे रोड जाम, मतलब आप खुद ही देख सकते हो और बताने की जरूरत ही नहीं है। देख सकते हो ये रोड है और ये रोड जाता है पैंगोंग लेक के लिए, जो हमारे इंडिया और चाइना का बॉर्डर है।
बेस्ट प्लेस है पेंगोंग लेक। शायद आप लोगों ने मूवी देखी होगी, थ्री इडियट्स मूवी, जब करीना कपूर लास्ट स्कूटर लेके आमिर खान के पास जाती है, वो जगह हम जा रहे हैं। कोई ना, जो होगा देखा जाएगा। अभी तक तो बाइक ने हमें कुछ भी धोखा नहीं दिया है, एक उम्मीद है ना कभी देगी। यार ये हमारा फोन का चार्ज कर लेते हैं, लेते फसा के। जैसे तैसे तो जुगाड़ में होल्डर टूट गया था, उसको तो जैसे तैसे लगाए हम टेप वगैरह लगा के। अभी हमें लेक के साइड साइड में चलना पड़ेगा। बाप रे, एक तो वैसी सर्दी हो गई गाइस, इतना ठंड है यहाँ ना, क्या ही बताऊं। लेकिन इतनी अच्छी जगह है ना, सब कुछ भूल गया है, ऐसा लग रहा था कहाँ था मैं और कहाँ आ गया। अब यहाँ से कहीं ना जाऊं, बस चलते रहूं चलते रहूं चलते रहूं। दो रास्ते जाते हैं, ये कौन सा, हाँ शायद हम सही रास्ते जा रहे हैं। अब मैप हमें लेके जा रहा है, पता नहीं कहाँ लेके जा रहा है। चाहे सुख हो दिल ने तुझको ही पुकारा, तूने हमको है बनाया, तूने हमको है सवारा, चाहा को तो रब का है, हमें तेरा है सहारा, बस तेरा साथ हो चाहे जो बात हो, बस तेरा गाइस यहाँ से रवाना लेते हैं और निकलते हैं सीधा पेंगोंग लेक के लिए। अभी हम हुंदर विलेज में हैं, जो जैसा कि देख सकते हो शोन लेक, यहाँ पे हमने रुक के फोटोग्राफी वगैरह वीडियो ली है। और सामने तो आप नज़ारे देख ही सकते हो, कितनी मस्त जगह है। और आप लोगों को क्यों आना चाहिए यहाँ घूमने तो आप खुद ही देखो, और पेंगोंग लेक क्यों जाना चाहिए वो मैं आप लोगों को आगे दिखाऊंगा। इसलिए तो गाइस हम छत्तीसगढ़ से सोलो राइड करके आपको यहाँ की लद्दाख की ब्यूटी खाने के लिए ही तो आए हैं।
हुआ हूँ। और आर्मी वालों को तो आप देख ही सकते हो टैलेंट। और लद्दाख लद्दाख लद्दाख, ये है लद्दाख। हर हर मौसम में हर अलग नजारे हैं। अभी हम पीछे खातुंगला पास में हमने खाली स्नो देखा था, यहाँ पे चट्टान, एक अपने आप में एक बेहद ही खूबसूरत लद्दाख। नेचुरली इसे किसी ने बनाया नहीं है, ये आप देख सकते हो नेचुरली है। और हम पहुंच चुके हैं डिस्किट मोनेस्ट्री, मतलब उंदर विलेज देख सकते हो। और अभी तो नजारा है यहाँ से गाइस, हरियाली दिखी। पहले हम यहाँ ड्रोन शूट ले लेंगे। लेक जाएंगे तो अभी हम फिलहाल सोलो राइड कर रहे हैं, जैसे कि आप लोगों ने देखा कई वीडियो में और अभी भी देख रहे हो। और गाइस अभी थोड़ी नजारे देखो आप, हमें चलते चलते भूख लग गई क्योंकि सुबह हमने ब्रेकफास्ट किया था और अभी 1 बज रहे हैं। चलते चलते चलते
कहीं पे हमें कुछ भी नहीं मिला। एक ये विलेज है, शायद यहाँ पे एक छोटा सा होटल वगैरह हो या खाने का कुछ भी, तो देखते हैं खाएंगे, क्योंकि बहुत तेज भूख लगी है गाइस, क्या ही बताऊं। और जैसा कि देख सकते हो नजारे, लिटरली इतनी खूबसूरत जगह है ना, क्या ही बताऊं। और शायद एक हमें कुछ दिखा खाने का, एक उम्मीद है यहाँ पे कुछ मिल जाए, देखो क्या मिलती है। यहाँ पे ऐसा ना हो कि यहाँ भी मोमोस और मैगी मिले, पहाड़ी मैगी। चलो एक उम्मीद है। तो भाई हालत हो गई है खराब, एक तो ऐसी सर्दी हो गई है इतनी ठंड में। चलो कोई नहीं, देखते हैं कुछ तो मिल जाए, उम्मीद है। हम अपना फोन निकाल लेते हैं। देखो गाइस हमारी पहाड़ी मैगी आ गई, और दिखने में काफी यमी है जैसा कि देख सकते हो। हमें लद्दाख जब से आया तब मैगी में काम चला रहे, और ये रहा हमारा रेड बुल मैगी, मतलब ये रेड बुल हमारा, और वो रही हमारी ग्रीनीमा। जल्दी फटाफट यहाँ से खाते हैं और निकलते हैं। और हमारी एनर्जी ड्रिंक आंटी हमारे लिए कॉफी बना रही है, जैसे कि देख सकते हो मोमोज का डब्बा, कॉफी हमारी रेडी है। फटाक से हम इसे मैगी को फिनिश करके रेड बुल और कॉफी निकलते हैं पेंगोंग लेक के लिए। तो मिलते हैं गाइस आप लोग इस नेक्स्ट वीडियो में।